तो भारत बंद को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। राजस्थान की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। राजधानी जयपुर से हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद सत्यनारायण शर्मा भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ओवर टू यू सत्यनारायण। देखिए, इस बार क्योंकि हम लोग पहले से प्रिपेयर्ड हैं और लगातार पिछले 3-4 दिनों से सभी अधिकारी मिलकर के हर एक एक लोकेशन को हम लोगों ने चेक किया है, वहाँ से अपने इनपुट्स गैदर किए हैं ताकि कहीं पर भी कोई ऐसा जगह नहीं रह जाए जो हमारी आंखों से, हमारे इन्फॉर्मेशन से दूर रह जाए। हम पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं। जाप्ता, हमारा सारा जाप्ता आज रोड पर है। हमने पूरी तरह से कोशिश की है कि हमारा हर कर्मचारी आज रोड पर रहे और हर तरह के मूवमेंट को हम ट्रैक कर पाएँ, और अभी तक पूरी तरह से स्थितियाँ काबू में हैं और कहीं ऐसा कोई प्रेशर या कोई ऐसी भारी भीड़ का इशू नहीं है अभी। सर, आपने शांतिपूर्ण के लिए अपील की है, फिर अगर हुड़दंग होता है तो फिर क्या होता है? देखिए, इस बारे में मैं बहुत पहले से ही पिछले 3 दिन से लगातार कह रहा हूँ कि किसी भी तरीके की कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाली स्थिति को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि कोई जरा भी हिंसा करेगा या कोई तोड़फोड़ की कोशिश करेगा, उसके विरुद्ध गंभीर कठोर कार्रवाइयाँ की जाएगी। सोशल मीडिया पर अफवाह ना फैले शहर के अंदर, इसके लिए क्या व्यवस्था? सर, इसके लिए तो मैं अपील करना चाहूँगा, आजकल सोशल मीडिया का इस्तेमाल पॉजिटिव चीज़ों से ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों के लिए होने लगा है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया कोई अफवाह नहीं फैलाएं। अगर आपको कोई ऐसी सूचना मिलती है जो आपको लगता है कि लोगों तक पहुँचानी, तो पहले वेरीफाई करें। बिना वेरीफाई किए कोई भी सूचना लोगों तक नहीं पहुँचाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या को पैदा करने वाली हो सकती है। बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पर कि दंगों को गलत झूठी खबरों के माध्यम से फैलाया गया है, तो कृपया अफवाहों को नहीं फैलाएं। यदि कोई अफवाह फैलाएगा, मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा, हम उसके विरुद्ध गंभीर कार्रवाई करेंगे, उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेंगे। सर, व्यापारी में एक बात सामने आ रही है कि कोई व्यापारी खोलना चाहता है, कोई व्यापारी बंद रखना चाहता है, तो जो व्यापारी दुकान खोलता है अगर जबरन बंद कराता है कोई दुकान, उसके तो कार्रवाई की जाएगी? देखिए, व्यापारी दुकान खोलेंगे या बंद रखेंगे उनका व्यक्तिगत निर्णय है। जो संगठन बंद कराने का आह्वान करते हैं, सामान्य तौर पर वही व्यापारियों से संपर्क करते हैं, वही उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी अपनी दुकानें बंद रखें। यदि व्यापारी उन्हें सहयोग देना चाहते हैं, उनके बंद का समर्थन करना चाहते हैं, ये उनकी चॉइस है। मैं एक पुलिस अधिकारी के रूप में, बल्कि पूरी टीम हमारी, हमारे कमिश्नर साहब, हम सब बस यही कहना चाहेंगे कि यदि आप दुकान खोलना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी रखते हैं। हमें इन्फॉर्मेशन दे करके रखें कि हम ये इलाका खोल करके रख रहे हैं, ताकि हमारा डिप्लॉयमेंट उस हिसाब से अलर्ट रहे। अपील करना चाहेंगे आप? मैं सभी से बस यही अपील करना चाहता हूं कि पूरी जयपुर पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सेवा के लिए लगातार तैनात है, तत्पर है। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आए, हमसे शेयर करें, हम पर विश्वास करें, हम पूरी व्यवस्था को ठीक से बना करके रखेंगे। आपके सहयोग के साथ में हम हर समस्या का सामना कर सकते हैं। तो जयपुर पुलिस आपके साथ है, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने से बचें, अगर कोई बात आपके सामने आती भी है तो उसको पुलिस से शेयर करें। इनका साफ कहना है कि पुलिस से हर चीज़ शेयर करें, जिससे कि आज के दिन शहर की जो कानून व्यवस्था है उसमें कोई दिक्कत ना आए।